फाउंडेशन ने लगातार ग्लोबिंग वार्मिंग नू देखते हुए कि अज असीं अपने वातावरण नू शुद्ध करन लई अपना असीं इक बूटियां दा लंगर लगाया है। डिवाइन हैंड फाउंडेशन दी महिलावां ने इहदे विच पूरा सहयोग दिता है और अपने सानू वातावरण नू शुद्ध बनाउण लई अपने हर किसी नू इक ना इक इक पौधा जरूर लगाना चाहिए है। लगाउण दा मतलब यह नहीं कि उन्हूं तुसीं लगा के छड्ड दो, उन्हूं रोज़ पानी देवो ताकि जिन्ने पेड़ पौधे होणगे उन्ना ही साडे धरती दा वातावरण शुद्ध होएगा। इस करके मैं सारिआं अगे बेनती करदी हाँ कि सारे वध तो वध पौधे लगाउण ते अपनी धरती माता नू बचाउण दी पूरी कोशिश कर। जिदा कि तुम सारे भलीभांति जानते हो कि साढ़े देश के साढ़े सारे पासे ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है जिसके बहुत ही दुष्परिणाम हो रहे हैं। सब तो ज़्यादा दुष्परिणाम देखने से जीव जंतुओं से और पेड़ पौद्या से आ रहे हैं। आज साड़ी डिवाइन हैंड फाउंडेशन टीम पेड़ों का लंगर लगा के सबनों एक संदेश देना चाहती है कि किसी भी अच्छी सोच न अपने किसी अच्छे ओकेजन पर अपने सदस्य अपने घर के सदस्यों के नाम से या अपने ग्रहों के नाम से या मनपसंद पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगान। अगर तेरे घर जगह नहीं है तो ही कम से कम गमलों से या अपने घर के बड़े डिब्बों से ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट या तो ही और लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। थैंक यू। मैं कुसुम मल्होत्रा डिवाइन हैंड वालों आज अं पौद्या का लंगर लाया यह सोच के कि कंक्रीट के जंगल किन्ने वधे पे चारों तरफ ग्लोबिंग वार्मिंग, पहले इन्ना टैंपरेचर होता ही नहीं तो हूँ कि डर की गल है कि टैंपरेचर दिनों दिन हर साल बढ़ता पाया है। क्यों बढ़ता पे जो सारे लोग पेड़ कटाते हैं सड़क बनाते हैं पर लाते हैं नहीं नवे, तो अं कोशिश की है जाओ ज़्यादा पेड़ लाइए, आने वाली अगर साड़ी पीढ़ी जी अच्छी जल्द पैदा होने पहले गल सांस लें अच्छी सांस हवा ले हवा होएगी ताजी बूटे होंगे तो पेड़ लगाओ और इस धरती को स्वर्ग बनाओ। धन्यवाद। आज डिवाइन हैंड फाउंडेशन ने लगातार ग्लोबिंग वार्मिंग नू देखते हुए कि अज असीं अपने वातावरण नू शुद्ध करन लई अपना असीं इक बूटियां दा लंगर लगाया है। डिवाइन हैंड फाउंडेशन दी महिलावां ने इहदे विच पूरा सहयोग दिता है और अपने सानू वातावरण नू शुद्ध बनाउण लई अपने हर किसी नू इक ना इक इक पौधा जरूर लगाना चाहिए है। लगाउण दा मतलब यह नहीं कि उन्हूं तुसीं लगा के छड्ड दो, उन्हूं रोज़ पानी देवो ताकि जिन्ने पेड़ पौधे होणगे उन्ना ही साडे धरती दा वातावरण शुद्ध होएगा। इस करके मैं सारिआं अगे बेनती करदी हाँ कि सारे वध तो वध पौधे लगाउण ते अपनी धरती माता नू बचाउण दी पूरी कोशिश कर। जिदा कि तुम सारे भलीभांति जानते हो कि साढ़े देश के साढ़े सारे पासे ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है जिसके बहुत ही दुष्परिणाम हो रहे हैं। सब तो ज़्यादा दुष्परिणाम देखने से जीव जंतुओं से और पेड़ पौद्या से आ रहे हैं। आज साड़ी डिवाइन हैंड फाउंडेशन टीम पेड़ों का लंगर लगा के सबनों एक संदेश देना चाहती है कि किसी भी अच्छी सोच न अपने किसी अच्छे ओकेजन पर अपने सदस्य अपने घर के सदस्यों के नाम से या अपने ग्रहों के नाम से या मनपसंद पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगान। अगर तेरे घर जगह नहीं है तो ही कम से कम गमलों से या अपने घर के बड़े डिब्बों से ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट या तो ही और लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। थैंक यू। मैं कुसुम मल्होत्रा डिवाइन हैंड वालों आज अं पौद्या का लंगर लाया यह सोच के कि कंक्रीट के जंगल किन्ने वधे पे चारों तरफ ग्लोबिंग वार्मिंग, पहले इन्ना टैंपरेचर होता ही नहीं तो हूँ कि डर की गल है कि टैंपरेचर दिनों दिन हर साल बढ़ता पाया है। क्यों बढ़ता पे जो सारे लोग पेड़ कटाते हैं सड़क बनाते हैं पर लाते हैं नहीं नवे, तो अं कोशिश की है जाओ ज़्यादा पेड़ लाइए, आने वाली अगर साड़ी पीढ़ी जी अच्छी जल्द पैदा होने पहले गल सांस लें अच्छी सांस हवा ले हवा होएगी ताजी बूटे होंगे तो पेड़ लगाओ और इस धरती को स्वर्ग बनाओ। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।